अगर आप एक बहुत बढ़िया ट्राईपोड लेने का सोच रहे हैं, प्रोफेशनल ट्राईपोड, तो इससे बेस्ट ट्राईपोड नहीं होने वाला है, क्योंकि ये यूनिक है। मैं इसको ओपन करके बताऊंगा क्योंकि इसमें क्या यूनिक है वो आप देखिएगा। ये जो है ट्राईपोड, इसका जो मॉडल नंबर है वो है DTR520BH, है ना। तो ये मॉडल नंबर है, डिजिटेक कंपनी का है, प्रोफेशनल है, डिजिटेक कंपनी के काफ़ी बढ़िया आते हैं कैमरा वगैरह सेट करने के लिए। मोबाइल के लिए नहीं है ये, हैवी है कैमरे के लिए। तो इसका जो प्राइस है लगभग 5,500 का समथिंग आपको पड़ेगा, और आप जाके एक बार चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका प्राइस क्या पड़ेगा। इसमें आपको कुछ इस टाइप के कुछ ऑप्शन मिलते हैं। मैं आपको फीचर जो है ना, देखिए फीचर इसमें भी दिख रहा है, ये देखिए सारे फीचर इसमें दिए हैं, पर मैं आपको एक बार रियल में बताऊंगा कि ये जो लिखे हैं वो फीचर कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं फटाफट। पैकिंग बेकार है इसकी वाकई में, अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया है, तो पैकिंग के मामले में तो इसको मैं 0 नंबर दूंगा। अब देखते हैं अंदर हमारा जो सामान है वो सही निकल जाए, बाकी पैकिंग नहीं भी है तो कोई बात नहीं चलेगा। तो अगर इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, अगर इसके हम कवर की बात करें तो कवर की क्वालिटी तो मुझे अच्छी दिख रही है, पकड़ने में भी काफ़ी बढ़िया है। तो चलो कवर की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा स्टैंड ट्राईपोड, और इसके अलावा और क्या मिलता है हमको, ये शायद कसने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ होता है, और बाकी ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी अंदर तो कुछ भी नहीं मिलता है, तो चलो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। हालांकि 5,500 का है, अब देखते हैं कि 5,500 वाली इसमें कौन सी ऐसी बात है, क्योंकि हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं वो 3,000 के समथिंग ट्राईपोड है, वो काफ़ी अच्छी ट्राईपोड है, काफ़ी बढ़िया ट्राईपोड है, कोई दिक्कत नहीं आती उनमें। तो ये इन्होंने कवर करके दिया हुआ है इस एरिया को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये इसको अगर खुलने का तरीका आप देखेंगे तो उल्टा खुलता है ये, थोड़ा ये ऐसा खुलता है, ये देखिए आप कुछ इस टाइप से खुलता है, मतलब एक अलग ही तरीके का ट्राईपोड है ये, कमाल की चीज़ होने वाली है इस टाइप से। और इसको लॉक करने का रहता होगा, ये लॉक हो गए, अब नहीं घूमता होगा ये, और ये ओपन हो जाता है इस टाइप से, और इसको कसना होता होगा ना, और खुल जाता है क्या, खोल दो सारे खोल दो। क्वालिटी कैसी है इसकी, पकड़ने में हैवी है कि नहीं, हैवी है बता, उन जैसा तो नहीं है, उनके जैसा नहीं, लेकिन फिर भी हैवी, 5,500 का। रोटेशन वगैरह दे दिया था। अब गाइस ये जो ट्राईपोड है, पुराना वाला मेरा ट्राईपोड, ये ट्राईपोड एक अलग ही ट्राईपोड है यार, मतलब हवा इसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा है, इसका वजन थोड़ा हल्का, पर ऐसा नहीं है कि ट्राईपोड अच्छा नहीं है, ट्राईपोड ये भी बहुत बढ़िया है, इसका भी हैवी वेट है, इसका कुछ ज़्यादा वेट है, और इसकी क्वालिटी आप देखेंगे यार, क्वालिटी अलग ही है इसकी, पर इसमें वो चीज़ नहीं है जो उसमें मिलती है ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। ये वाला ट्राईपोड का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मजबूत है, सिंपैक्स कंपनी का है, डिजिटेक का भी आता है, और ये इसका मॉडल नंबर भी दिया हुआ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये भी काफ़ी तगड़ा है, मेरे ऑफिस में सारे यही ट्राईपोड रखे लगभग 6-7, और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आती इसकी। एक बुरी चीज़ इसको आधा घंटे तक कसते इसको, हाँ एक दिक्कत ये है इसमें कि इसको यार कसना पड़ेगा लगातार, और इसमें इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से इसको ओपन किया, नीचे निकाला और कस दिया, पर इसमें तो यार बार बार ये दिक्कत हो जाएगी, पर ठीक है, कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ करना भी पड़ता है। इसको मैं भी कर लेता हूँ फटाफट ओपन, उतना ही उतना खोलो ना, इसको पूरा मत खोलो, थोड़ा खोलो और कस दो वहीं के वहीं, थोड़ा खोला वो अपने आप नीचे सरक जाता है, सरका और वहीं कहीं कस दिया, पूरा पूरा करना ही नहीं है। गाइस ये देखिए आप, ऊंचाई के मामले में तो काफ़ी ऊंचा है, कहीं से शायद छोटा बड़ा हो रहा है, सही से रखा नहीं है तुमने। हाँ इसमें ये अलग दिक्कत है, इसमें थोड़ा आपको अपने मतलब प्रोफेशनल में यही होता है, प्रोफेशनल में कभी भी जो चीज़ें प्रोफेशनली होती है ना, उनमें ऑटो चीज़ें कुछ भी नहीं होती। अब इसमें जो है ना, ये तीनों तरफ से एक सही होगा, पर इसमें नहीं है, इसमें आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, तो ये प्रोफेशनल है, तो ये हर कोई के यूज़ करने की बस की बात भी नहीं है। अब इसमें एक खास चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपका ट्राईपोड, यहाँ पर आपके ट्राईपोड में कैमरा लग जाएगा, और ये जो रोटेट करने का है इसको आप रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर आप लूज़ करेंगे तो ये ऊपर हो जाता है और नीचे की ओर भी हो जाता है ये। तो अब आपको जो शूटिंग करना है, बाय चांस आपको शूट करना है ऐसे नीचे की ओर,
तो आपका नीचे से शूटिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये हमने इसी पर्पज से मंगवाया है। तो ये मेरा जो फुल स्टैंड है अभी, ये मैं अगर इसको इस टाइप से अगर देखूंगा तो ये लगभग 7 फीट से ऊपर जा रहा है, और अगर ऐसे ओपन करेंगे तो ये लगभग आपका 5.5 फीट के लगभग बन जाएगा आराम से। 5.5 फीट है अपनी हाइट, 6 मेरी हाइट 6 फीट के लगभग जाएगी, 4.5 मान के चलो, 5 मान के चलो, तो 5 फीट ऊँचाई है। और ये इसमें लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको, लॉक खोलने का, और ये सब नहीं, ये लॉक हो गया है, ये लॉक हो गया, और लॉक हो गया, छोड़ो इसको अब। ये अच्छा हो भी रहा है, वहाँ पीछे होता था फुल है, ये फुल है, अब कुछ नहीं भाई, फुल अच्छा। और फैलाना हो ना तो इसको ऊपर करके फिर खींचे जाता है, जैसे इसको और फैलाना है ना, तो अभी इसको थोड़ा अंदर ले गया, इसको थोड़ा अंदर ले गया ना, हाँ अब करो, ये इतना खुल जाता है समझ रहे हो, नीचे करो इतना, नीचे इतना भी नहीं करना अपन, जैसे सेकंड वाले पे लगाना है ना तो सेकंड वाले पे करके उसको कर देना है अभी अपन को। यार ये तो चीज़ कमाल की यार, इसमें मतलब चौड़ाई इसकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, 5,000 ये अपन ने ऐसा लगाया, उसको ऐसा कर दिया, बस फुल है, तो एक नंबर है, मतलब ठीक है, उसको भी सही कर दो। ये किस नंबर पे कराया आपने, सेकंड नंबर पे था ये, अब ये ध्यान रखना इसका, शूट करते टाइम नहीं दिक्कत हो जाए, पकड़ने के लिए इधर दिया हुआ है ना ये सॉफ्ट सॉफ्ट, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये खुल भी जाता है क्या, दिया तो है वैसे लॉक अनलॉक करने का, ही कुछ तो हो, रोटेट करने का लिखा भी है, लॉक करने का है यार इसमें, बड़े फिर ये दिया हुआ है। तो यार बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो मतलब मल्टीपर्पज़ है। इसके अलावा ये डिग्री भी दी हुई है, कितनी डिग्री पे करना है, और ये क्या चीज़ है, अच्छा ये इसको टेढ़ा भी कर सकते हो, ये घुमा सकते हो, मतलब यार अलग ही लेवल की चीज़ है ये, तो कुछ नया है ये तो, ये देखो आप किसी भी डिग्री में घुमा लो इसको, वो कस दो टेढ़ा आड़ा जैसा करना वैसे ही हो जाएगा। इसके अलावा ये घुमाने का तो है ही, और ये तो एक अलग ही चीज़ है यार, ये तो एक अलग ही है। ये जो निकली हुई थी ना, ये है एक्सटेंड करने के लिए, इसको आपको थोड़ा और आगे करना है, क्योंकि देखो आप ये लाइन बनी हुई ना, आप खोलो इसको, खोल ये यहाँ से खुल जाता है, ये देखो इस टाइप से खुल जाता है ये पूरा, ये पूरा खुल जाता है, ये शायद इसी का है कि इसमें से निकलेगा, नहीं इसी का ही, अच्छा हाँ हाँ वो बाद में लगे ना, तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस टाइप से, कर दो तो इसको, ये काय के लिए दिया हुआ है, रबड़, अच्छा ऐसी दी होगी वो बीच में रबड़ से ये छुप जाएगा कि ये जुड़ा हुआ है, पता भी नहीं चलेगा किसी को, वाह यार किसी को पता भी ना चले उन्होंने ऐसा उपाय बनाया। बस 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 ये देखो ये हो गया ऐसा, ये एक्सटेंड हो गया और लंबाई बढ़ा दी उन्होंने, वाह यार कमाल की, ताकि ये जो ट्राइपॉड के अपने ये पैर है ना, ये पैर ना दिखें, क्योंकि कई बार अपन जब नीचे की साइड से लेते हैं तो ये पैर दिखते हैं ना शूट करने में, तो ये इसलिए दिया हुआ है, और ये गिरेगा नहीं, अगर आप कैमरा यहाँ लगा दोगे ना तो ये इसकी जो नीचे से पकड़ बनी हुई ना कहीं नहीं जाने वाला, कितना ही ये इसकी जो नीचे से पकड़ बनी हुई है ना, आप इसमें कितना ही हैवी कैमरा लगा दो कहीं नहीं जाएगा, देखो मैं काफ़ी जोर दे रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, हाँ बाकी इसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है, आप 2000 किलो का कैमरा लगा दोगे तो दिक्कत होगी, बाकी इतना हैवी होता नहीं है यार, इसकी क्वालिटी हैवी है, आप मानो या मत मानो, ये क्वालिटी हैवी है इसकी भाई, उठाने में पता चलता है 3,500 के लगभग पड़ता है ये, और उसको पकड़ने में अलग समझ में आ रहा है, हाँ वो लॉक नहीं हुआ अभी, चलो वो देख लेंगे लॉक कैसे क्या होंगे, और बाकी है कमाल की चीज़, स्टैंड काफ़ी कमाल का स्टैंड है, मुझे जो बॉल के बगल में लगाते थे ये लोग, हाँ हो सकता है, मतलब उनको नहीं चाहिए होता है सपोर्ट, और देखो ये जो है ना इसको ढीला करके, और ये इस टाइप से निकल जाएगा, किस टाइप से निकलेगा, अरे निकल जा सिम सिम, खोलना इसको पूरा, इसको खोलो, इसको ये वाला, हाँ खोलो खोलो और खोलो, रुक ले निकल के नहीं रहा, हाँ ये सिस्टम लॉकिंग सिस्टम भी अलग है, इसका लॉकिंग सिस्टम अलग है, तब ऐसा इसको फंसाया कहाँ से, अच्छा ये फंसता ऐसे निकलेगा और ऐसे चला जाएगा, ये देखो इसमें जो ग्रिप दी ना, ये वाली ग्रिप इसमें ऐसे करी और अब कस दो, इसका इजी है,
पर इसका रिस्क ही है भाई साहब, इसका रिस्क ही, पर इसका रिस्क ही नहीं है। आपने एक बार इसको कस दिया ना, फिर ये कहीं नहीं जाएगा। पर ये सर, ये देखो, अब कहीं कुछ नहीं होना। हाँ, पर सरक सकता है ऐसे, पर ऐसे ही पूरा नहीं सरकेगा, क्योंकि लॉक लगा इधर कोने में शायद, नहीं लगा। हाँ यार, रिस्की तो है यार, वो तो अच्छे से कसना पड़ेगा इसको, बाकी बढ़िया है। नहीं यार देखो, क्वालिटी तो है यार इसमें, तुम मानो मत मानो, क्वालिटी है, पर इसमें टेक्नोलॉजी है और आपकी यूज़ के हिसाब से टनाटन है। तो आपको कैसा लगा ये ट्राईपोड, और आपको अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक के वहाँ से आप ले सकते हो। अभी मैं इसका एक सिम्पैक्स का ही मंगवाऊंगा, सेम डिज़ाइन में, सेम चीज़ सिम्पैक्स में भी आती है, उसकी क्वालिटी देखेंगे हम कैसी है। ये डिजिटेक का है, 5,500 का पड़ा, सिम्पैक्स का देखता है कितना का पड़ता है, तो मैं मंगवाता हूँ। अगर ये मज़ा आ गया तो 4-5 स्टैंड में ये मंगाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।